हेलो बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल के अनुसार कि आपको पेंट में इस तरह का पिक्चर बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एमएस पेंट को हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि यहाँ से जो जूम का परसेंटेज है या यहाँ से आपका जो जूम का परसेंटेज है वो थोड़ा सा आपको कम कर लेना है। जूम आउट करेंगे तो पेज आपका छोटा हो जाएगा, जूम इन करने से आपका पेज बड़ा होता है। ठीक है, तो जूम आउट जैसे जैसे करेंगे पेज छोटा होगा, जूम आउट करने से पेज हमारे बड़े हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ से चुनना है ब्रशेस को, यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो ब्रशेस है हमारे यहाँ पे जो ब्रशेस है कैरियन ब्रशेस को, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एडिट कलर में। एडिट कलर में जो आपका ये जो कलर है हेड वाला, आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे से थोड़ा सा इसका डार्क हम कर लेते हैं और यहाँ पर हम करते हैं ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी आपका काम हो जाए। तो कीबोर्ड में जब आप देखेंगे तो आपको CTRL का एक बटन मिलेगा, बाएं साइड दाएं साइड दो दो रहता है, आप किसी पे भी काम करेंगे और CTRL को दबाते हुए आप अगर कीबोर्ड में प्लस का जो निशान आती है, जो यहाँ पे प्लस का निशान जो नंबर की में होती है, तो CTRL दबा के इसको करेंगे तो देखिए इसकी जो साइज है, ये ब्रश का जो साइज है, धीरे धीरे करके जो है अपने कुछ बड़ा हो जाएगी, 1 इंच से बड़ा हो जाएगी। इसके बाद आप माउस का लेफ्ट बटन को दबाते हुए आप इस तरीके से सबसे पहले एक लाइन इसे ड्रॉ कर ले, एक लाइन आपको इसको ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद इतने के बीच में आपको अच्छी तरीकों से बिल्कुल इसको रंग देना है, बिल्कुल अच्छी तरीकों से आपको इसको रंग देना है। ऐसा कि मतलब ये फटाफटा सा आपको दिखाई नहीं दे, बिल्कुल आपको इसको कलर कर देना है। इसको इस तरीकों से कुछ देर तक जब आप ड्रैग करेंगे तभी सही से आपका कलर यहाँ पर बन पाएगा। बिल्कुल ये मेहनत की चीजें हैं बच्चों, तो आप इस पे बिल्कुल हमारे सभी वीडियोस की सभी बातों को, हर एक बात को ध्यान में रखिएगा, कहीं पर छूट ना पाए, नहीं तो फिर आपको स्लो के चक्कर में अगर आप बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि आपका काम आपका आपसे नहीं भी हो पाए। तो सबसे पहले आपको इसको रगड़ते हुए बहुत ज्यादा इसको एकदम बिल्कुल क्लियर कर लेना है इस तरीके से, और माउस पे आपको बिल्कुल कमांड रखनी है इस तरीके से। तो हमने सबसे पहले एक कलर आपको फर्स्ट यहाँ पर दे दिया। इसके बाद फिर से हम एडिट मेन्यू पे जाएंगे, थोड़ा सा इसका परसेंटेज थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे हल्का सा। ठीक है, हल्का ऊपर हमने लेकर के गए, हमने ओके किया और फिर से हमने इतना दूर पर एक लाइन इसको ड्रॉ कर दिया, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद ड्रॉ करने के बाद इसको बढ़िया से जो है हमने इसको ऊपर से चढ़ा दिया। ठीक है, इस तरीके से माउस को अच्छी तरीकों से ध्यान से पकड़ते हुए इसको अच्छे से आपको प्रिंट करना पड़ेगा, देखिए, क्योंकि अगर फटाफटा सा छूटेगा तो कलर मिक्स होने में आपका प्रॉब्लम होगा। अगर आप इसको वीडियो को रोक करके भी आप देखना चाहें, करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए जितने देर में, जब तक कि हम कर पा रहे हैं इस तरीकों से, थोड़ी सी टाइम लगेगी इसको मैच करने में। तो हमने इस तरीके से रंग लिया, वीडियो पे ज्यादा टाइम ना लगे इस वजह से थोड़े से रोक करके हमने इसको रंग लिया। इसके बाद फिर से एडिट कलर पे जाएंगे, थोड़ा सा और हम हल्का कलर ले लेते हैं इस प्रकार से, हल्का और हमने ओके किया और इसके ऊपर जो है हम इस तरीके से अवेलेबल चढ़ा देते हैं। और इस तरीके से अच्छे से रगड़ करके आपको कलर देना पड़ेगा बच्चों, माउस पे कमांड रखते हुए अच्छे से रगड़ करके कलर देना होगा। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से जैसा हम दे पा रहे हैं एकदम इस तरीके से आपको ओवरलैप आपको चढ़ाना पड़ेगा, देखिए इस तरीके से। माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए रखना है। एक और ट्रिक है लेकिन उस ट्रिक में थोड़ा सा और भी आपको टाइम लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसी को यूज करते हुए देखिए अच्छे तरीकों से बिल्कुल इसको एकदम कलर करना, बिल्कुल अच्छी तरीकों से जितना ज्यादा रगड़ करके आप इसको एकदम क्लीन कर ले इस प्रकार से। चलिए, तो हमने इस तरीकों से इसको बिल्कुल क्लीन कर लिया। इस बाद फिर से मिडिट पे जाते हैं, थोड़ा सा और हल्का कलर ले लेते हैं, इस तरह से बढ़ाते हुए इस तरीकों से आपको लेते जाना है थोड़ा थोड़ा। देखिए बिल्कुल
बिल्कुल अच्छी तरीकों से इसको इस तरीकों से एकदम मिक्स करना है बच्चों आपको। थोड़े बहुत आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल अच्छी तरीकों से बिल्कुल कलर होनी चाहिए। थंबनेल के अनुसार अगर बनाना है तो बिल्कुल हमारी बातों को ध्यान से करते हुए इस तरीकों से आपको करना होगा। इसके बाद फिर से एडिट कलर थोड़ा सा और हम ऊपर कर लेते हैं हल्का सा। ओके, एक लाइन अगर दिक्कत होगी तो सबसे पहले एक लाइन बना लीजिएगा, और दिक्कत होगी और ज्यादा तो आप अंडू का ऑप्शन इनेबल करके रखेंगे तो आप अंडू कर सकते हैं। इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद आप इसको अच्छी तरीकों से आप जितना तेजी से आप इस पर कमांड बनाएं आप इसको रख लें। हो सकता है लैपटॉप पे थोड़ी सी तस्वीर फटी फटी सी आ सकती है, लेकिन कंप्यूटर पे बिल्कुल परफेक्ट आएगी क्योंकि थोड़े बहुत लाइट का भी इफेक्ट इसमें पड़ता है। माउस के लेफ्ट बटन पे बच्चों ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है ये चीज। जितना ज्यादा गाढ़ा करके डार्क करके करेंगे उतना आपका बेहतर होगा। इस बार फिर से एडिट पे चलते हैं लास्ट टाइम और थोड़ा सा और हल्का कलर इसको ले लेते हैं। ओके, और लास्ट जो हमारे बचा है इसको लास्ट को अच्छी तरीके से हमको इसको मिला देना, अच्छी तरीके से बिल्कुल मिला देना। पेंटिंग अगर आप पेंट पे करना चाहते हैं तो माउस पे ही डिपेंड करता है बच्चों, जितना अच्छा माउस पर कमांड होगी उतनी अच्छी आप बना पाएंगे पेंटिंग। तो देखिए हमने इसको 6 स्टेप में इसको रखा है और थोड़ा सा जो फटाफटा टाइप का है इसको कोशिश करना है आपको कि अच्छी तरीकों से बच्चों फील करना अच्छी तरीकों से, क्योंकि ये फटाफटा सिर्फ पिक्चर के कारण थोड़ा बहुत फट सकता है। चलिए इसको 2-3 बार आप जब भी बनाएंगे तो 2-3 बार इसको अच्छी तरीकों से हाईलाइट कर लीजिएगा, और आपको कोई और पिक्चर बनाने में दिक्कत होगा तो आप ये चीजें हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम बना बना के आपको दिखा देंगे। चलिए अब हमारा यहाँ तक का तो सफर समाप्त हुआ कि हमने यहाँ पे कलर दिया, अब इसके बाद आपको करना क्या है तो आपको जाना है रीसाइज। अब ये करने के बाद आपको जाना है रीसाइज पर क्लिक करना है, पिक्सल पर क्लिक करना है, और यदि आपके पास विंडोज 10 होगा एमएस ऑफिस 10 होगा तो देखिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो की जगह पर एक ताला जैसा घुड़मुड़िया यहाँ पे बना होगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा ना बना हुआ चीजों पे तो ये परसेंटेज से पिक्सल पे जंप कर जाएगा। यदि आप एमएस ऑफिस 10 या उस पर काम करेंगे तो ये मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो के जगह पे ये आपका पॉइंटर आपको मिल जाएगा।
तो हमने यहाँ पे गए और इसको वर्टिकल में जाकर के हम इसको क्या कर देते हैं, हमने इसको दे दिया 6, ठीक है 6 दे दिया। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि कितना था 858, तो हम यहाँ पे दे दिए 6, ओके पर जैसे ही हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा हम रिसाइज पे जाते हैं, पिक्सल में जाना है, टिक आउट हटा देना है, और यहाँ पे हमारा 858 था तो हम यहाँ देते हैं 858। इसके बाद ओके पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीकों का पिक्चर हमारे पास आ गया है। अब हमको करना क्या है कि इसको सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट में जाकर करेंगे सेलेक्ट ऑल, हमने सेलेक्ट ऑल कर लिया और इसको थोड़ा सा ना ऊपर की ओर जाकर रख देना है। तो इसको थोड़ा सा सेलेक्ट ऑल करने के बाद ध्यान से देखिएगा कि छूटे ना, इस प्रकार से हम थोड़ा सा इसको ऊपर जाकर के हमने रख दिया। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे, या तो आप यहाँ पे जाके करेंगे कॉपी और इसके बाद करना है पेस्ट। तो हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद देखिए हमारा पेस्ट हो चुका है, इसको राइट क्लिक करना है, जाना है आपको रोटेट में, और रोटेट में आपको करना है इस तरीके से फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्लिप वर्टिकल कर दिया और इस तरीके से हम इसको यहां पर लेकर आकर के सेट कर देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा इस प्रकार से हमने किया, ये देखिए हम इसको सेटअप कर दिया। इसके बाद अगर हम मानकर चलते हैं आप यहाँ पे कोई तस्वीर वगैरह बनाना चाहते हैं तो ये ओवल दे सकते हैं, ओवल लेकर के हम चांद बनाना चाहते हैं तो आपको कलर वन का कलर भी आपको व्हाइट रखना है, फिल का कलर सॉलिड रखना है, आउटलाइन का कलर सॉलिड रखना है और दोनों का कलर व्हाइट रखना है। कलर वन कलर टू दोनों व्हाइट, फिल में सॉलिड कलर, आउटलाइन सॉलिड कलर। इसको जैसे हम ड्रैग करेंगे इस तरह से बनाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस तरीके का सूरज का निशान आपका बन जाएगा। इस प्रकार अगर आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है तो आप लाइन ड्रॉ करें। हम ब्लैक लाइन यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कुछ नीचे इमेजिंग बनाने के लिए, और यहाँ से हम थोड़ा सा मोटा लाइन ले लेते हैं। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबाना है, शिफ्ट शिफ्ट को दबाते हुए हम यहाँ से एक लाइन को इस तरीके से घिर देते हैं, ठीक है। हमने एक लाइन को इस तरीके से घिर दिया। इसके बाद यहाँ से हमने ले लिया पेंसिल, और पेंसिल का साइज भी थोड़ा सा मोटा ले लेंगे, ठीक है। अभी हमारे इतनी है पेंसिल का साइज, लेकिन और मोटा लेना चाहते हैं तो कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ प्लस का वही आइकन दबाते जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस तरीके का पेंसिल हमारा साइज मोटा होते जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से अगर आप बनाना चाहें तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं पर दूर में इस तरीके का आया हुआ। इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए बच्चों आप इसको करें, और यदि आप इसको कंप्यूटर पे करेंगे और बेहतर ढंग से होगा, इसको जो कलर है बहुत ही परफेक्ट आएगी। इसके बाद जो सूरज है, सूरज में यहाँ से जाना ब्रशेस में, और हमें यहाँ मिक्स ब्रश ले लेते हैं और इसका हल्का सा कलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा इसको भी बड़ा करते हैं स्प्रे का कंट्रोल प्लस से, और देखिए यहाँ पे हम हल्का हल्का छिड़केंगे इस तरीके से। थोड़ा बहुत अगर पीलापन मिक्स करना चाहते हैं तो हल्का फुल्का ऐसे, जो जो कलर यहाँ पे बना करके आया हुआ है आप इस तरीके से इसको छिड़क सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको करना क्या है कि पेंसिल लेकर के अगर आप बनाना चाहते हैं, या तो ब्रश लेकर के अगर आप पेड़ बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का देखिए पेड़ बना सकते हैं। इससे पहले है कि थोड़ा सा पेंसिल लेकर के घास टाइप का थोड़ा बना लेते हैं इस तरीके से, कंट्रोल जेड अगर कोई भी गलती हो तो,
इस तरीकों से घास जैसा जो है आप कुछ बना लें। इस तरीकों का आपको जैसा भी अच्छा लगे आप यहां से बना सकते हैं। और अब यहाँ पे एक पेड़ बना लेते हैं ब्रश में जाकर के। और यहाँ पे हम ब्रश कोई भी ले सकते हैं, कॉलीग्राफी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और इस तरीकों से हम बनाते हैं ऐसे। थोड़ा सा हम इसको साइज को मोटा कर लेंगे कंट्रोल प्लस करके। इस तरीकों से आप कटिंग करके जो है पेड़ को बना सकते हैं, हल्का पतला भी ले सकते हैं इस तरीकों से, थोड़ा और पतला इस तरीकों से। तो इस तरीके से बच्चों पेंसिल पे कमांड रखते हुए आप इसको इस तरह से ड्रॉ करें। जब आप एक दो चार बनाना शुरू कर देंगे तो खुद पर खुद जो है आपका बनना शुरू हो जाएगा, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मोटा लेना है तो इस टहनी को जो है आप इसको थोड़ा मोटा कर सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको मोटा कर सकते हैं। अगर आप डबल टाइप का बनाना चाहें तो आप इसे डबल टाइप का बना सकते हैं। थोड़ा सा यहां से पतला ले लेते हैं और इस तरह का थोड़ा सा देखने में अट्रैक्टिव लगता है, इस वजह से ले सकते हैं। और थोड़ा सा इधर से बड़ा कर सकते। इसके बाद हमको यहाँ पे चिड़िया बनाना है अगर, तो यहाँ पे पेंसिल उठाते हैं और पेंसिल का मोटा साइज रख करके थोड़ा सा इस तरीकों से राउंड टाइप का आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस तरह से लाके ऐसे और नीचे में इसको जोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको जोड़ दीजिएगा। कंट्रोल जेड करके हम फिर से बनाते हैं थोड़ा सा और मोटा करके कलर को। चलिए हमने मोटा किया और थोड़ा सा इस प्रकार से और नीचे में हल्का सा ऐसे कर देना है ऐसे और नीचे में हल्का सा ऐड कर देना, ठीक है। इससे ऐसा लगेगा कि चिड़िया रियलिटी में जो है उड़ रही है। चलिए तो इस प्रकार से आपने बना दिया। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा बहुत इधर भी और कुछ ड्राइंग इस तरह से ब्लैक वर्क बनाना चाहें घास टाइप का तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका अगर मानते हैं हम चाहते हैं थोड़ा सा जल टाइप का देना चाहते हैं कि सूरज का जो किरण है नीचे जल आपको पड़ रहा है, तो आप यहां से जाएंगे एडिट कलर में जाकर के आप एक कलर ले सकते हैं। यहां से हल्का कलर यहां से कोई भी आप ले लें, जैसे हम इसी को उठाते हैं ओके करते हैं और एडिट मेन्यू जाकर के बिल्कुल हल्का करना है इसको, बिल्कुल हल्का कलर करना इस तरीके से बिल्कुल हल्का ओके। और एकदम पतला वाला सबसे लेना है और थोड़ा बहुत आप इसको ऐसे ड्रा करेंगे। व्हाइट थोड़ा व्हाइट भी ले सकते हैं
यदि आप स्प्रे के थ्रू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्प्रे का भी यूज करके आप इस तरीके से देखे देख सकते, ठीक है, या तो आप कंट्रोल जेड करते हुए आप स्प्रे का ही यूज करके देख सके, कंट्रोल प्लस इसके बाद हम पेंसिल से इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है बच्चों, लेकिन इससे भी आप बेहतर बेहतर ढंग का बना सकते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों को आपको सिखलाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और थोड़ा थोड़ा अगर तारा देना चाहें तो आप यहाँ से जा करके तारा भी दे सकते हैं। और बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे हम ट्राई करना चाहें आदमी वगैरह को, तो आप ब्रश भी ले सकते हैं। इस तरीके से ब्रश लेकर के आप यहाँ पे इसका साइज थोड़ा मोटा रख करके माउस पे कमांड रखते हुए अगर आप आदमी वगैरह बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। इससे अपने आप धीरे धीरे लेता चला जाएगा माउस के लेफ्ट बटन दबाते हुए, ठीक है। इस प्रकार से हमें ले लिया और थोड़ा सा इस प्रकार से हम इसका ऐसे बना दिए, और इस प्रकार से आप यहाँ पे बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बनाएं, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से भी अगर आप इधर बनाना चाहें तो आप इधर बना सकते हैं। इस तरीके से ट्राई करें, माउस से ट्राई करके देखें आपको जो भी बनता है इस तरीके से। चलिए इस तरीके से हमने इसको बना दिया, ये चांद की रात हो गई। थोड़ा सा पेंसिल लेकर के हम इस तरीके से तो इधर बना लिया। थोड़ा सा इधर भी हम पेड़ एक बना लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा इस तरीके से।
तो इस तरीकों से आपको जैसे मन करे, ये थोड़ा सा खराब टाइप का हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। पेंसिल लेकर के आप अगर इसको भी बनाना चाहें सही ढंग से, तो आप इस तरीकों से कर सकते हैं। हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों, और थोड़ा सा बाद में देखा जाएगा, जैसा रहेगा बनाया जाएगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।